डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, जो जुलाना हल्का वासियों ने इतनी बड़ी जीत दी है, लगातार आप भी प्रचार में व्यस्त थे, हाँ जी, तो क्या कहेंगे इस पर? यहाँ पे ये जो अपना एरिया है ना जी, पूरा जुलाना, जींद, सफीदो, बरोदा, गोहाना, यहाँ पे लोग बिल्कुल दुखी थे सरकार से। जो अब किसान आंदोलन हुआ ना, खेती का तो अपना एरिया है, जी और ऊपर से अपने नौजवान जो अपने युवा थे, बच्चे थे ना, वो ये जब से अग्निवीर आया ना, बिल्कुल दुखी थे वो बेचारे। जी जितने बच्चे ना सुबह सुबह उठ करके जाते थे, अपना मेहनत करते थे, जो वो इस सरकार ने उनकी मेहनत पे बिल्कुल ना पानी न फेर दिया, वो युवा दुखी थे और किसान दुखी थे और ग्रामीण दुखी थे, जी बहुत जी दुखी थे लोग। युवा ने बेरोजगारी की मार झेल रहे थे, जी तो इस वजह से लोगों ने अपना मन बनाया और परिवर्तन का विचार किया। इसलिए अब मेरे हल्के से, जुलाना हल्के से भी आप ये लगा लो, 24-25 हज़ार से जो ये अपनी जीत हुई है, बहुत अच्छे मार्जिन से अपनी जीत हुई है। और आने वाले टाइम में विधानसभा के चुनाव में आपको को भी इसका नतीजा देखने को आपको मिलेगा। जो ये 25 हज़ार की जीत है, जीत ये हुई है ना, इसको ये मान लो 40 से 41 हज़ार रुपये हम लोग लेके जाएंगे, मेहनत जी करेंगे आगे। जो लोगों का प्यार मिला चुनाव के दौरान प्रचार कर रहे थे, आप उसको देखकर क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी है जो भारी बहुमत से हरियाणा में सरकार बना पाएगी या नहीं? बिल्कुल, जो आने वाले अब चुनाव होने हैं, दो दो महीने में हो जाओ, 3 में हो जाओ, अब जल्दी होने हैं चुनाव की विधानसभा के। जब भी इन चुनाव होंगे, आप देखेंगे हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ लगभग, मेरा जहाँ तक अंदाजा है, मैंने देखा है, 60 से और 70 सीटों के बीच में अपने एन विधायक आएंगे। और ऊपर से जो हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र जी ने, उदय बान जी ने हरियाणा में जो मेहनत की है, वो उसका न फल उनको न मिलने लग रहा है। रोहतक से भी आप देखिए, अब दीपेंद्र जी की अब यहाँ पे जीत हुई है, 3,50,000 के आसपास उनकी जीत हुई है, बहुत अच्छी जीत हुई है। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहुत जल्दी यहाँ पे न सरकार बनने जा रही है। लोग बीजेपी से बिल्कुल दुखी हो चुके हैं जी। मैं तो आखिर में एक ही बात आपको ना बोल रहा हूँ, जुलाना हल्का वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये जीत आप लोगों ने दी है ना, इसका मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ, मेरी ओर से भी, मेरी पार्टी की ओर से भी, भूपेंद्र हुड्डा जी की ओर से भी, जो ये आशीर्वाद दिया है ना, इसको ना बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। जुलाना का नाम बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। सरकार आएगी और पूरा ध्यान यहाँ पे दिया जाएगा। अब देखिए, अब जैसे ज़्यादा दूर की बात नहीं है, अब जुलाना का जो अपना मेन रोड है, इंटरनल का जो वो रोड है, वो नींद से बन पाया क्या? क्या उसकी हालत हो चुकी है? बिल्कुल मेन रोड है वो, दो वो ही कांग्रेस नींद से पार्टी की बन। सरकार आती है तो क्या प्राथमिक तौर पर ये कार्य किए जाएंगे? बिल्कुल, ये तो मैं भी आपको ना बोल रहा हूँ, जिस दिन हमारी ना सरकार आ गई ना, सबसे बिल्कुल बिल्कुल मेरा भी और हुड्डा साहब का भी, अपने एमपी वी है सतपाल जी, उनका ना सबसे पहला हमारा नहीं है ये, इस रोड को हम बनवाएंगे, सबसे पहला हमारा यही होना काम जुलाना के अंदर। एक जुलाना क्षेत्रवासियों की लगातार पिछले काफी समय से मांग रही कि कुछ ट्रेनें जो यहाँ पर रुकती नहीं है उनके लिए भी कुछ किया जाएगा। वो भी होएगा जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को अब तो अब ये देखो ना जी, अपने एमपी हैं लोकसभा के, अपने सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, वो अपनी आवाज उठाएंगे। जुलाना में यहाँ से होकर के अब जितनी भी अपनी यहाँ से अब रेल जाती है ना, सबको, और जो वो अपनी मेन मेन है जिनकी यहाँ पे अब जरूरत है ना, उनका यहाँ पे ना ठहराव बिल्कुल उनका ना करवाया जाएगा लोकसभा में। ये अपनी आवाज गूंजेगी। ये मैं तो मानता हूँ अपने इलाके का ये एक सौभाग्य बहुत बड़ा कि एक ब्रह्मचारी इंसान को मौका दिया है, अपनी वहां पे आवाज पूरी गूंजेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मोहित लाठर, मैं युवा का, हरियाणा कांग्रेस का मैं ना सचिव हूँ प्रदेश का।